हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का किसी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। और निफ्टी में देखो, हम बार बार 3 दिन से बार बार ये बात करेंगे, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल बन चुका है 24,000 25,436 के आसपास का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो एक नया मोमेंटम आएगा। लेकिन आज क्या होना, देखो क्या चीज है, कोई सेक्टर यहाँ पे कौन सी दिक्कत करता है। एक सबसे ज्यादा दिक्कत करता है आईटी सेक्टर। यहाँ पे नॉर्मल मोमेंटम था मार्केट में, ब्रेकआउट भी आया, ऊपर जा भी रहा था, है ना। लेकिन उसके बाद जब आईटी सेक्टर में दिक्कत थी, यहाँ पे पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर का अच्छा खासा गिरावट चल रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट वापस से गिरा और उसी रेंज के बीच में यहाँ पे आके फंस गया। अगर ऊपर क्लोजिंग देता तो यहाँ पे अच्छा होता है, मतलब इसने ब्रेकआउट भी दिया पर वहाँ पे सस्टेन नहीं करा और यहाँ पे आगे इसने क्लोजिंग दे दी मिड में 25,300 के आसपास। इसने सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ पे ऊपर गया फिर वापस, लेकिन कहीं ना कहीं वापस सेलिंग देखने मिली। अगर ये वापस से 25,312 का ये जो लेवल है यहाँ पे, आज जो इसने लो बनाया इसने लगे आसपास, यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक करता है और डाउन साइड में निकल जाता है 25,200 25,130 25,063, ये सारे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें निफ्टी में यहाँ पे। क्योंकि ये जो सेलिंग आई है ये थोड़ी सी खराब है। अगर आईटी इंडेक्स वापस एक दिन और नेगेटिव रहता है तो वो इम्पैक्ट कहने के यहाँ देखने को मिलेगा। एक बार रिलायंस का चार्ट हम देख लेते हैं। रिलायंस रिलायंस का चार्ट में क्या लग रहा है, देखो रिलायंस में सेम कंडीशन होगी, मतलब ऊपर गया फिर वापस वो सेलिंग है। निफ्टी का चार्ट देखोगे और इसको चार्ट देखोगे तो एकदम सिमिलर सा ही है, यहाँ पे वही इम्पैक्ट दिख रहा था। उसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स खराब कर रहा था कंडीशन, तो उसका भी इम्पैक्ट साथ में देखने को मिला। यहाँ पे ब्रोडर मार्केट ठीक ठाक था, मतलब ऐसे आप अगर देखेंगे तो पहले तो सही था, लेकिन सेकंड हाफ आते थे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। ब्रोडर मार्केट में भी सेलिंग आने देखने को मिल रही थी इसमें। तो एक आधी अगर थोड़ा सा देखना, आज वो यूएस की फेड की मीटिंग वगैरह का है कुछ वो, तो वो चीज़ का भी आ जाए इम्पैक्ट, तो कल मार्केट हो सकता है गैप अप या गैप डाउन, जिस हिसाब से रिएक्ट करेगा मार्केट वो डिपेंड करेगा। अगर तो एकदम से गैप अप ओपन होते ही, गैप अप हो या गैप डाउन हो, एकदम से ओपन होती है मार्केट, मतलब वहाँ पे कोई ट्रेड प्लान मत करना। अगर कोई सपोर्ट पे अच्छा प्लान होता है यहाँ पे दिखता है तो उस हिसाब से देखना है, फिर रिजेक्शन भी आपका ओपन होता है तो उस हिसाब से कंडीशन देखना और सेटल होने देना 10-15 मिनट मार्केट को वो चीज़ के हिसाब से। क्योंकि कल तो क्या है ना, गुरुवार भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। ठीक है, लेवल ज़्यादा हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि मार्केट अभी उसी रेंज में बंद हुआ है। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए फिर भी तो यहाँ ये रिजेक्शन लेवल बन चुका है कि उसके बाद ऊपर अगर यहाँ पे बन चुका है ये वाला इससे के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल होगा रिजेक्शन के। यहाँ पे डाउन साइड में अगर हम देखें तो इस लेवल को हम कंसिडर करते हैं मेन ऑफ सपोर्ट लेवल, यहाँ पे 25,290 का लेवल, तो ये लेवल रहेंगे यहाँ पे कल के लिए। और उसके बाद डाउन साइड में तो ये लेवल्स बने हुए हैं ऑलरेडी और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये रिजेक्शन एक बन चुका है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखो सिंपल सी कहानी क्या है ना, अब चीज़ क्या होती है, देखो निफ्टी में अगर यहाँ पे कई सारे सेक्टर होते हैं जिसमें से अगर कोई एक दो मेजर सेक्टर भी अगर ऊपर नीचे हो गए तो दिक्कत करता है। बैंक निफ्टी में क्या ना, गिनती के 10-12 शेयर से बैंकिंग के, अगर उसमें 3-4 टॉप के शेयर से अगर उनको भी ऊपर या नीचे हो जाएगा तो बैंकिंग के शेयर ऊपर, बैंकिंग का इंडेक्स ऊपर हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे इसमें जो तेजी आई है वो अलग चल रही है, क्योंकि बैंकिंग के 4 शेयर पढ़ाते ही ये अपने आप इंडेक्स ऊपर हो जाएगा, पर निफ्टी में वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसमें वेट करते हैं कि ऊपर अगर रिजेक्शन लेवल ब्रेक करा इसने 52,274 से लेकर 52,336 का, ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर अपसाइड में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि क्या है ना, देखो निफ्टी अभी टॉप पे चल रहा है ऊपर अपने ऑल टाइम हाई से, पर बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, अभी वहाँ पे 2.5% ही दूर है, लेकिन ये दूर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग फिर भी दूर है क्योंकि दोनों पैरेलल वे में चलते हैं, या तो दोनों इक्वल से चलेंगे तो तेजी ऊपर की तरफ चलेंगे या फिर दोनों लोअर लेवल पे चलेंगे, पर ऑलमोस्ट सिमिलर वे में चलते दोनों के दोनों। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे अभी थोड़ा गैप क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, तो अभी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड में आए और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब दोनों को एक सेम लेवल पे यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता हूँ सकता है। अब इसमें बैंक निफ्टी में देखो क्या है ना, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 52,593 का, तो फिर डाउन साइड में एक बार ये कहाँ तक आ सकता है वो देखते हैं, इस जगह के आसपास आ सकता है एक बार 52,467 तक, उसके बाद 52,274 52,092, ये सारे लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे। और ऊपर की रिजेक्शन लेवल क्या है 52,848 का, तो यही से उसके बाद बन चुका है ये वाला लेवल आज का जो हाई बना था, तो इस लेवल को हमें कंसिडर करना आगे के लिए। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो देखेंगे ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्या लेवल बन रहे हैं रिजेक्शन के। तो ऊपर अपर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक बार लाइन चार्ट पे चल के देखते हैं कि लाइन चार्ट पे लेवल्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे। जो 53,108 का एक लेवल है यहाँ पे जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी में रिजेक्शन के लिए। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है 52,957 तो फिर 53,108 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें यहाँ पे बैंक। पर अभी कंडीशन क्या है ना, कल गैप अप या गैप डाउन की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ का यूएस के मार्केट की वजह से थोड़ा वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो उसको सेटल होने देना। तो फिर यहाँ पे जैसे बाई चांस बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन होकर 52,274 के आसपास ही ऊपर हुआ तो फिर यहाँ पे सपोर्ट करके काम करेगा, क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रही है, इंडियन मार्केट में उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उतना नहीं होता वो चीज़ का। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे फिर निफ्टी का सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट। इसमें देखो तो सेम भी बैंक निफ्टी कंपेयर में उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। क्यों रीजन, अभी हम बात कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये भी बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, उसमें भी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी शेयर्स में भी तेजी चल रही है, उनमें पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है, तो
तो उनमें भी आप देखोगे तो बैंकिंग एनबीएफसी के देखो बजाज फाइनेंस हो गया, आज 2.3% चल रहा था, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी तीनों के चार्ट बिल्कुल अलग चल रहे हैं, मतलब ये और फिर भी बैंक निफ्टी सिमिलर चल रहा है। बाकी निफ्टी को देखो तो निफ्टी अलग वे में चल रहा है, ये अलग वे में चले जा रहे हैं। मतलब वही है कि एक इंडेक्स में कौन से शेयर से वो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट में, वो सब चीजें इम्पैक्ट पड़ती है मार्केट में। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये रिजेक्शन क्या होता है यहाँ पे 2481 का, इसके ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई है, तो रिजेक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है यहाँ पे। अब सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है मेन 24,243 का, और रिजेक्शन का भी लेवल कहाँ दिख रहा है यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ पे 24,364 का, उसके बाद यहाँ पे आएगा 24,415 का लेवल, तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे रिजेक्शन का ऐसे गैप पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हुए इसमें रिजेक्शन के। सपोर्ट में अगर देखें यहाँ पे तो सपोर्ट में आ रहा है 24,243 का लेवल सबसे पहले, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो एक जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है इस जगह के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर जाके रिजेक्शन हल्का सा लिया था, फिर नीचे आया, फिर वापस से उसने ब्रेकआउट दिया, तो ये लेवल को हम स्विंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं 24,170 का लेवल यहाँ पे। तो ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के, इन लेवल्स पे आता है तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, पर आज अच्छे खासे फ्लो में चला है तो हो सकता है कि एक दिन यहाँ पे इसी लो और इसी हाई के बीच में यहाँ पे कैंडल बनाते मोमेंटम, जितना इस रेंज में रहेगा यहाँ पे फिर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर वो स्टॉप लॉस हिट करने वाले काम कर रहे हैं, जैसे ऊपर गया फिर गिरा, फिर ऊपर गया फिर इस तरह से गिरता वाला है। अगर कल इसने 24,243 का लेवल ब्रेक कर दिया नीचे तो फिर 24,170 24,081 ये लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे फिर निफ्टी का, इन लेवल्स को ध्यान रखना है यहाँ पे। और साथ में ना बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के शेयर्स को देखना अगर आप इसमें फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो, ताकि उनमें जो मोमेंटम चल रहा है उनमें अगर तेजी है तो ये उसको तेजी को फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड इसमें भी करेगा यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।